magazine. Hi friends, welcome to my channel Tasty Zone and Celebration Cake. आज हम बनाने वाले हैं पाइनएप्पल केक, जो कि सबका मन पसंदीदा है। सबको बहुत ही ज्यादा पसंद है ये फ्लेवर। ये देखिए मेरा जो स्पंज है कितना फ्लफी बना है, ये मैंने स्क्रैच से बनाया है। बहुत जल्दी इसका वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ, आप लोग को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये देखिए अभी जो स्पंज है उसका मैंने जो पहला लेयर है निकाल दिया है, क्योंकि वो थोड़ा चिकनाहट होता है। अभी हम लोग तीन लेयर में समान मात्रा में तीन लेयर कट कर लिए हैं। देखिए दोस्तों कितना जालीदार स्पंज आया है। अभी हम केक की तैयारी करेंगे। सबसे पहले कार्डबोर्ड के ऊपर थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे, ताकि हमारा जो केक है वो स्टिप रहे। और मैंने लिया है शुगर सिरप में थोड़ा सा क्रश मिलाया है, ताकि जो हमारा जो केक का टेस्ट है दुगना हो जाए और अच्छे से हर एक कोने में हमारा टेस्ट फ्लेवर आए। अभी लिया है क्रीम को, मैंने लेयर लगा दिया है, उसके बाद क्रश को लगाया। उसी तरह हम लोग सेकेंड स्टेप करेंगे, फिर सोकिंग करेंगे, फिर लगाएंगे क्रीम, उसके ऊपर फिर क्रश। ऐसे लगाते लगाते हम लोग तीन स्टेप ऐसे लगाते लगाते हम तीनों स्टेप कंप्लीट करेंगे। और जो क्रीम है उसको हमेशा हम लोग एक ही लेयर पे एक ही सरीका लगाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए हमारा लास्ट स्टेप बन रहा है, ऊपर भी हम लोगों ने अच्छे से सोकिंग कर दिया है। अभी हम क्रम कोट करेंगे। क्रम कोट अच्छे से होना चाहिए, जो उसका क्रम है केक का वो चारों तरफ इधर उधर होके जो हमारा जो क्रीम है वो ख़राब ना हो। तो अच्छे से क्रीम कोट करेंगे, कवर कर लेंगे पूरा केक को। और हाँ दोस्तों, जो ये क्रीम बनाने का जो तरीका है वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग चैनल पे जाइए और देखिए। ये जो मेरा जो तरीके से अगर आप क्रीम को बीट करते हैं तो कड़ी से कड़ी गर्मी में भी आपका कभी ख़राब नहीं होगा, आप लोग फॉलो कीजिए। ये देखिए अभी क्रीम को अच्छे से हम लोगों ने क्रम कोट कर दिया है केक को। अभी हम 15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद अच्छे से केक को चारों तरफ से क्रीम से कवर कर लेंगे, एक ही लेवल से अच्छे से आराम से स्लोली स्लोली। फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, टेस्टी तो ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो फिनिशिंग भी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मैंने स्क्रैपर से साइड में डिज़ाइन बना लिया है। ये मेरा नूर का स्क्रैपर है, जो कि बहुत ही अच्छा काम आता है। ऊपर भी मैंने डिज़ाइन बना लिया है, ये देखिए। अभी हम ऊपर इसको क्रीम का डिज़ाइन देंगे। मैंने येलो कलर लिया और क्रीम में मिक्स कर दिया है। अभी साइड का हम लोग थोड़ा थोड़ा सा डिज़ाइन निकालेंगे। ये देखिए साइड का मेरा डिज़ाइन हो चुका है। अभी जो मेरा कस्टमर है उनका तो फेवरेट कलर है रेड, तो उनको थोड़ा रेड कलर चाहिए था। मैंने पाइनएप्पल क्रश लिया, उस पर थोड़ा सा रेड कलर मिलाया और ड्रिपिंग निकाल दिया, लेकिन उस पर गलती हो गया कि न्यूट्रल जेल से करना चाहिए था और मेरे पास न्यूट्रल जेल ख़त्म हो गया था एक्चुअली, तो मैंने क्रश पे डाल के किया तो थोड़ा सिंक हो गया उसमें, ठीक है। तो अभी फिर हम लोग ऊपर का डिज़ाइन रोजेट निकालेंगे। मैंने 2 mm में फ्लावर निकाला है और ऊपर थोड़ा सा मैंने क्रश दे दिया है। ये देखिए हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया है, सिंपल सो डिज़ाइन है। अर्जेंट में कोई ऑर्डर आए तो आप इसी तरह का डिज़ाइन निकाल के अपना ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं। और लास्ट में दिया थोड़ा सा फुसफुस का स्प्रे, और देखिए हमारा जो केक है कैसे शाइन कर रहा है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।